आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन टीवी न्यूज सत्यवार्ता। मैं हूं नीलम तिवारी। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं। भिवंडी अजंता कंपाउंड स्थित परवेज खान उर्फ पीके ने अपने जनसंपर्क कार्यालय पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर जी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस अवसर पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के भिवंडी सर अध्यक्ष परवेज खान उर्फ पीके, अल्पसंख्यक भिवंडी सर अध्यक्ष तुफेल फारूकी, कांग्रेस कार्यकर्ता जाबिर अंसारी, जावेद खान, इरशाद अंसारी, जमाल अंसारी, हफीज अंसारी, आसिफ पठान, समीम खान उर्फ पापा, इरफान अंसारी, इरफान पप्पू, साहिर अंसारी, साद अंसारी आदि लोग उपस्थित रहकर तारिक अनवर जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दिए। आइए देखते हैं किस तरह उपस्थित पदाधिकारियों ने जन्मदिन की मुबारकबाद दिए। आज जो है ऑल इंडिया कौमी तंजीम के तारिक अनवर साहब का जन्मदिन है। इस मौके पे हम सभी लोग जो है ऑल इंडिया कौमी तंजीम के भिवंडी सर के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग सभी जितने लोग हैं ऑल इंडिया कमेटी भिवंडी सर के ग्रुप के ही लोग सब लोग जो है उनका जन्मदिन मनाए, खुशियां मनाए और उनको हम लोग बार बार मुबारकबाद दे रहे हैं। हजारों साल जिए और उन्हें जन्मदिन की पुरखलूस मुबारकबाद। और मैं ये चाहूँगा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर तारिक अनवर साहब जो है माशाल्लाह बहुत पुरानी तंजीम है। इस तंजीम को लगभग 35-40 साल के करीब करीब हो गया है और लोग इस तंजीम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये अपना तारिक अनवर साहब खुद एक रह चुके हैं मतलब। और ये जो कमेटी है इस कमेटी से लोग जुड़कर जो भी है अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को ये कमेटी जोड़ के चल रही है। और मैं ये चाहूँगा भी कि हर लोगों को जो भी समस्या है हम लोगों को पास आए इंशाल्लाह इसको जरूर पूरा करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बार फिर तारिक अनवर साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे मनाफ हकीम साहब जो है सदर है इसके ऑल इंडिया कौमी तंजीम के और भी अपना कोकण डिवीज़न के आफ्ताब शेख साहब हैं। मैं इन्हों भी हम लोग सभी लोग इनको अपना तारिक अनवर साहब को और तुफेल भाई की तरफ से अपने जितने जमाल भाई इरशाद भाई अपना जावेद भाई अपना जाबिर भाई सभी लोग की तरफ से पापा भाई सभी लोग की तरफ से जो है साहब अपना शाहिद भाई सभी की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आज तारिक अनवर साहब को दिल की गहराइयों से सभी भिवंडी के सभी लोगों की तरफ से आज उनके इस जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले तो उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि उन्होंने हमारे दोस्त हाजी परवेज खान साहब को अभी हाल में ही अपनी कौमी तंजीम का अध्यक्ष बनाया। हम लोगों के लिए भिवंडी के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ऐसे शख्स को चुना जिस शख्स के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले। ये शख्सियत ऐसी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी कौमी सियासी हर खिदमत को ही अंजाम देने के लिए रातों दिन एक करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, जहां भी आवाम की बात होती है, जहां माइनॉरिटी की बात होती है, जहां कौम की बात होती है, ये शख्स आज इतने मशरूफियत के बावजूद आज जिस तरीके से देश के हालात हैं उसके बावजूद भी ये हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं अपना वक्त निकाल कर। ये बहुत बड़ी बात है
और हजारों साल हिना अपनी बेबसी पर रोती है, तब जाकर कोई दीदावर इस तरीके का पैदा होता है जिस तरीके से हमारे हाजी परवेज खान साहब की शख्सियत है। मैं इन्हें भिवंडी कौमी तंजीम का अध्यक्ष बनने पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और तारिक अनवर साहब को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने हमारे इस काबिल दोस्त को इस लायक समझा और यहाँ की जिम्मेदारी थी और वो हजारों साल जिए। आज उनका जन्मदिन है, इस मौके पे हमारे दोस्त ने सब दोस्तों को बुलाकर एक खुशी का इजहार किया कि हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष जिनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी सियासी खिदमत भी बहुत आला उमदा रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आवाम के साथ काफी उनको उम्मीदें हैं कि माइनॉरिटीज के लोगों की आवाजों को वो ऊपर लेवल पे उठाते रहेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद अपने दोस्त को देना चाहता हूँ कि उन्होंने तारिक अनवर साहब के जन्मदिन में भिवंडी में मनाकर उनको जो है जागरूक किया है और अभी भी वो हमारे कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं। तारिक अनवर साहब वो बहुत पुराने लीडर हैं, जिस तरह इन्होंने बता रहे हैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम जो है बहुत पुरानी तंजीम है, तो उन्होंने बहुत पुराने और बहुत अच्छे आदमी को जो है भिवंडी का सदर बनाया है। लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।